हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी बहुत ही लोकप्रिय जो सीरीज है आपकी समर्पित सीरीज और आरंभ सीरीज, जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं, और उसी के साथ में एक बार फिर से हम नए सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज होने वाली है बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपकी आगामी जितनी भी एग्जाम्स आने वाली हैं उन एग्जाम्स के लिए शानदार वाली सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। वो जो सीरीज है आपकी, वो है आपके सामने है उत्साह है मंजिल पाने का। जी हाँ दोस्तों, आपका उत्साह, जोश और जुनून जो है वो आपकी एग्जाम में दिखता है, और एग्जाम जो है वो जब आप सक्सेस होते हो तो उसका रिजल्ट जो होता है वो आपको सबको दिखता है, और उसी उत्साह है और उसी उमंग और उसी जोश के साथ में आज हम एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्साह सीरीज और जिसका टाइटल होगा मंजिल पाने का। जी हाँ, सभी आप प्यारे प्यारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनके लिए मंजिल पाने का जो उत्साह है उसी के साथ में आज की क्लास हम लेके आए। पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ में आज ये सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है अपना जो है ये उत्साह सीरीज जो है वो कंटिन्यू आपको मिलेगी क्लासेज पीडियाट्रिक नर्सिंग की। स्पेशली पीडियाट्रिक नर्सिंग की क्लासेज आपको उत्साह सीरीज में मिलेंगी। शानदार वाले क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे, और वो जो क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो आज तक एग्जाम्स में आए हैं, और वही एग्जाम जो हैं वही जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक अपना होने वाला है वो होने वाला है आपका अपगार स्कोर, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, शानदार वाला टॉपिक जिसके बारे में एग्जाम जो है उनमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपगार स्कोर का कोई भी क्वेश्चन मेरे दोस्त, आप लोगों का किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारी क्लास के साथ में बने रहे इसी के साथ में, और चलते हैं आज के अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करने के लिए। तो चलते हैं, आपको यदि नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है तो ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। स्क्रीन पे रख दिया मैंने आपका शानदार वाला पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ ए नियोनेट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाई। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आप लोगों ने फोर्थ ईयर के अंदर बीएससी किया है तो बीएससी के अंदर आप फोर्थ ईयर में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में पता होगा। क्वालिटी के अंदर अपन क्या करते हैं, किसी के करेक्टरिस्टिक्स, किसी की मतलब जो मेंटल कंडीशन होती है उनका असेसमेंट करते हैं, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं स्पेशली उसको एक डिस्क्राइब करते हैं कि ठीक है इसका मूड ऐसा है। और क्वांटिटेटिव के अंदर होता है नंबर सिस्टम, कौन सा होता है नंबर सिस्टम देते हैं क्वांटिटेटिव सिस्टम के अंदर, क्लियर है ओके। तो क्वांटिटेटिव की यदि हम बात करें, क्वांटिटेटिव के अंदर देते हैं अपन किसको, नंबर को, ठीक है नंबर को देते हैं। तो सामने आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका यही पूछा जा रहा है कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ ए न्यूबोर्न का क्वांटिटेटिव असेसमेंट जो है वो किस तरीके से करते हैं अपन। क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ ए न्यूनेट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाई, मैंने पहले बोला है और मेरा एक ही फंडा है आपको समझाने का कि आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़ना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सके। तो क्वांटिटेटिव कंडीशन की हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपके साथ में है रिकॉर्डिंग बीपी, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना, एग्जामिनेशन ऑफ जुगुलर वेन प्रेशर और अपगार स्कोरिंग, और इसी के साथ में रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। इनमें से ये है कि नियोनेट कंडीशन को असेस करने का कौन सा मेथड है जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है। तो आप लोगों को पता है कि अपगार स्कोर जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अपगार स्कोर के बारे में यदि हम बात करें, अपगार स्कोर क्या होता है, देखो अपगार स्कोर जो है इसके बारे में यदि हम बात करते हैं, अपगार स्कोर देखो अपगार स्कोर के बारे में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने दिया था। तो मैं आपको बता दूं, वर्जीनिया अपगार, ठीक है, वर्जीनिया अपगार नाम का एक अनस्थीसियोलॉजिस्ट था। उस अनस्थीसियोलॉजिस्ट ने इस टर्म को दिया था अपगार स्कोरिंग, ठीक है। कब दिया था 1952 के अंदर वर्जीनिया अपगार जो साइंटिस्ट, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था, उसने दिया था अपगार स्कोर। सर कहाँ के थे अमेरिका के थे। ये जो वर्जीनिया अपगार हैं ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तीन क्वेश्चन आपके क्लियर है कि अपगार स्कोर जो था वो किसने दिया था, वर्जीनिया अपगार ने दिया था, कब दिया था, 1952 में दिया था, इसी के साथ में कहाँ के थे, वो अमेरिका के थे। अब
अपगार स्कोर क्या होती है, ठीक है, अपगार स्कोर क्या होता है इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि अपगार स्कोर का मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं जब बच्चा जन्म लेता है उस कंडीशन के अंदर उनका एक असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग, बॉडी उनकी काम कर रही है या नहीं कर रही है, उस सिचुएशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपगार स्कोरिंग करते हैं। उसी अपगार स्कोरिंग को देखने के लिए आज हम सामने आए हैं आपके सामने कि अपगार जो स्कोरिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में यदि पहले बात करें कि अपगार स्कोरिंग जो है वो क्या होती है, एक डायग्राम के थ्रू अपन समझें। देखो आपके सामने है पहला, अपगार की फुल फॉर्म क्या होती है, पहला APGAR, क्लियर है। ए फोर होता है अपीयरेंस, क्या होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस की यदि बात करें अपीयरेंस को अपन कैसे नंबर देंगे उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम नंबर ये भी क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर जो होता है वो मिनिमम नंबर देते हैं अपन 0 और मैक्सिमम नंबर देते हैं कितना, मैक्सिमम नंबर जो देते हैं वो कितना देते हैं 10 देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम स्कोर अपगार स्कोरिंग का कितना होता है, तो आपको बता रहे हैं कितना मैक्सिमम होता है 10 और मिनिमम होता है 0, क्लियर है, ओके। ये हो गया, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स लिए गए। एक आता है आपका अपीयरेंस, ठीक है, एक होता है पल्स, एक आता है आपका पल्स, G4 आता है ग्रीमेंस, ग्रीमेंस, ठीक है, और A4 आता है आपका, A4 आता है एक्टिविटी, A4 आता है आपका एक्टिविटी, ठीक है, और R4 आता है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी यहाँ पे ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी पैटर्न, क्या आता है रेस्पिरेटरी पैटर्न, ना कि मैंने रेट बोला है, ध्यान रखना, ठीक है, रेट नहीं बोला है, रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी पैटर्न बोला है। अब इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, स्कोर आता है आपका 0, 1 और 2, ये स्कोर होता है आपका, क्लियर है, स्कोर होता है आपका 0, 1, 2। अब 0 इसका मतलब बच्चा बिल्कुल, बच्चे की जो कंडीशन है वो बिल्कुल खराब है, 2 का मतलब एक्सीलेंट कंडीशन है, और 1 का मतलब है मीडियम लेवल है, 1 का मतलब है आपका मीडियम लेवल है, क्लियर है, इतना समझ में आया होगा, चलो ठीक है। अपीयरेंस की बात करते हैं, अपीयरेंस की हम बात करें तो यदि मान लो, यदि मान लो बच्चे के कंडीशन में देखें तो बॉडी की कंडीशन जो कलर पे देखते हैं, अपीयरेंस जो होते हैं ना वो कलर पे देखते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कलर पे देख सकते हैं, ठीक है, कलर की कंडीशन देखते हैं। यदि मान लो बच्चा जो है वो ब्लू या फिर पेल कंडीशन है बच्चे की, कैसी है, ब्लू और पेल, यानी बच्चा जो है वो ब्लू और पेल कंडीशन में है, तो उसको हम कितना स्कोर देंगे, 0 स्कोर देंगे। यदि बच्चा पिंक कलर का है उसको स्कोर देंगे अपन, क्या उसको स्कोर देंगे, 2 स्कोर, क्लियर है। अपीयरेंस की बात करते हैं, ब्लू वाले को 0 देंगे, पिंक वाले को 2 देंगे। अब सर एक चीज और आती है, बच्चे का ये हेड है, ठीक है, ये आपके दोनों पैर हैं, हाथ हैं, और ये दोनों पैर हैं, ठीक है, ये दोनों पैर हैं। यदि मान लो यहां से ये वाली जो सिचुएशन है, चारों सिचुएशन, यदि बच्चे की पेल या फिर ब्लू है, क्या है, ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, और ये भी ब्लू है, ठीक है, ये चारों यदि ब्लू कंडीशन में है, और यहां से बच्चा यदि पिंक है, ठीक है, यहां से बच्चा यदि पिंक है, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर आपको मैं बता दूं कि एक टर्मिनोलॉजी देते हैं अपन एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस, क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस, क्या बोलेंगे, एक्रोसाइनोसिस, यानी बच्चे की यदि एक्सट्रीमिटीज पेल है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, और सेंट्रल पोर्शन यदि पिंक है, तो उसको बोलते हैं अपन एक्रोसाइनोसिस, क्या बोलेंगे, एक्रोसाइनोसिस। तो एक्रोसाइनोसिस वाली कंडीशन है, उस सिचुएशन में बच्चे को कितना स्कोर देंगे, 1 नंबर स्कोर देंगे। दूसरा पल्स की बात करते हैं, पल्स जो है, पल्स की हम बात करें कि पल्स की सिचुएशन क्या होती है, यदि मान लो नो पल्स आ जाए, यदि पल्स 0 है, इसका मतलब इसको 0 स्कोर देंगे। यदि मान लो पल्स जो है वो आपकी, यदि पल्स आपकी मोर देन 100 बीट पर मिनट है, मोर देन 100 बीट पर मिनट है, तो उस सिचुएशन में क्या देंगे अपन, मोर देन 100 बीट पर मिनट है, तो उस सिचुएशन को क्या देंगे अपन, 2 स्कोरिंग देंगे, ठीक है, मोर देन 100 वाले को क्या देंगे, मोर देन 100 बीट पर मिनट है, 2 दे देंगे, और यदि लेस देन 100 है,
लेस देन 100 है तो उसको हम स्कोर देंगे कितना, 1। लेस देन 100 है तो उसको स्कोर देंगे कितना, 1। फिर ग्रीमेंस आती है। ग्रीमेंस का मतलब ये होता है कि फेसियल एक्सप्रेशन। फेसियल एक्सप्रेशन के अंदर मान लो यदि आपने बच्चे को स्टिमुलेट किया, यदि बच्चे को आपको स्टिमुलेट किया, रिफ्लेक्सेस देखते हैं इसके अंदर। रिफ्लेक्सेस देखने के लिए बच्चे को यदि आपको उसका जो सोल है उसको यदि आप टच करते हो, इस तरीके से हाई स्ट्राइक करते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर यदि गुड क्राई आ रहा है बच्चे को, ठीक है, क्राई यदि गुड आ रहा है, क्राई गुड आ रहा है तो उसको हम देंगे कितना, 2 नंबर। क्राई गुड आ रहा है तो 2 नंबर। और यदि मान लो वीक क्राई आ रहा है, ठीक है, वीक क्राई आ रहा है तो उसको देंगे 1 नंबर। और एक होता है नो क्राई, नो क्राई आ रहा है इसका मतलब हम देंगे उसको 0 मार्क्स, ठीक है। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है बच्चे की जो एक्टिविटी होती है वो यदि गुड है, गुड है तो उसको 2 देंगे, वीक है तो हम उसको क्या देंगे, 1 नंबर देंगे, और नो एक्टिविटी आ रही है तो उसको 0 दे देंगे। रेस्पिरेटरी पैटर्न की हम बात करते हैं। रेस्पिरेटरी पैटर्न की मतलब होता है कि बच्चा जो है ना क्राई करता है, ठीक है, बर्थ के बाद में तुरंत यदि क्राई करता है, यहाँ पे देखो गुड क्राई गुड वाला ये सिचुएशन क्या थी, बच्चे का फेसियल एक्सप्रेशन जो होता है ना, मतलब चिल्ला मारने वाला, ठीक है। और यदि यहाँ पे बच्चा जो है जन्मते ही जो क्राई करता है तो उस क्राई वाली सिचुएशन में क्या होता है, क्राई गुड आ रहा है तो 2 नंबर देंगे, वीक आ रहा है तो स्लो या इरेगुलर देंगे तो उस सिचुएशन के अंदर, और एबसेंट में आपको 0 मार्क्स देना है। तो ये था आपका, ये था आपका अपगार स्कोर के पैरामीटर्स। और इसी पैरामीटर्स के ऊपर आज हम क्लास की पूरी क्लास इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्लियर है। तो कब कब हम देंगे, अब देखो मेन चीज क्या क्या आई सर, इसके अंदर कौन कौन सी चीजों का असेसमेंट होता है। 3 वाइटल ऑर्गन्स का करते हैं, पहला तो अपन करते हैं हार्ट का करते हैं, हार्ट के साथ में करते हैं अपन लंग्स का, किसका करते हैं, लंग्स का, लंग्स के साथ में अपन करते हैं किसका, ब्रेन का। इन तीनों जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका असेसमेंट करते हैं किसके अंदर, आपके अपगार स्कोर के अंदर, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, जो पहला क्वेश्चन आपने किया था उसी का आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले तो देखो अपगार स्कोर जो है इसमें ये बोला गया कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नियोनेट इज डन बाय, किसके द्वारा करते हैं, सीधी सी बात है अपन ने क्या बोला, 0 to 10 स्कोर देते हैं, क्या देते हैं, 0 to 10 स्कोर देते हैं। बच्चे को यदि मान लो 0 to 3 है, 0 to 3 है इसका मतलब बच्चे को CPR देना है, ठीक है, रिसेसिटेशन स्टार्ट कर देना है 0 to 3। यदि मान लो 4 से 7 तक कंडीशन आ रही है बच्चे की, उस सिचुएशन में बच्चे को यानी माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन है, क्या है, मॉडरेट डिप्रेशन है, ठीक है, बच्चे को क्या करना है, CPR वगैरह, या फिर बच्चे को कुछ नीड है आपको मेडिकल अटेंशन की, मेडिकल प्रोसीजर की जरूरत है। और यदि 8 से 10 है बच्चे का स्कोर, अपगार स्कोर, इसका मतलब वो क्या है, एक्सीलेंट है, ठीक है ना, एक्सीलेंट है, ठीक है, उस सिचुएशन में उसको किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा आपका जाएगा कौन सा, अपगार स्कोर इज ए क्वांटिटेटिव असेसमेंट फॉर नियोनेटल कंडीशन। नियोनेट्स की कंडीशन को असेस करने के लिए अपगार स्कोर क्या होती है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट का मेथड होता है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आपका ही बोल रहा है, अपगार स्कोर इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ द स्कोर इज, एक्सीलेंट कब होगा, जब स्कोर कितना होगा। देखो ऑप्शन है 4 से 6, 0 से 3, 7 से 10 और D3 से 7। तो मैंने आपको ये बोला 0 to 3 जो होता है वो ये समझ लो कि बच्चे को बहुत ही ज्यादा CPR की जरूरत है, ठीक है। 7 to आपका 4 to 7 जो था उसके अंदर माइल्ड डिप्रेशन आ रहा है बच्चे को, बच्चे को आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। और 7 to 10 या फिर 8 to 10 जो है वो हो गया आपका एक्सीलेंट, इसमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की जरूरत है, कोई भी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट कौन सा आ गया, 7 to 10 जो है वो कौन सा आ गया आपका आंसर हो गया, क्लियर है। 7 to 10 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है सीवियर एस्पाइक्सिया। सीवियर एस्पाइक्सिया इज इंडिकेटेड बाई एन अपगार स्कोर इज, सीवियर एस्पाइक्सिया मैंने आपको बोला वीक यानी सीवियर कंडीशन जो होती है 0 to 3 वाला, 3 ही स्कोर होते हैं इसके अंदर, 4 से 7 और 8 से 10, 8 से 10। तो ये तो हो गया एक्सीलेंट, ये अभी 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 अपन ने देखा था एक्सीलेंट हो गया है, ठीक है, ये तो एक्सीलेंट हो गया। और सीवियर एस्पाइक्सिया जो होता है, सीवियर एस्पाइक्सिया जो होता है वो कौन सा होता है आपका, 0 to 3 स्कोर वाला। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, बी आपका सही आंसर होने वाला है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि व्हाट इज द टिपिकल 1 मिनट अपगार स्कोर फॉर ए न्यू बॉर्न। टिपिकल
वन मिनट अपगार स्कोर फॉर ए न्यूबॉर्न, टिपिकल का मतलब होता है, यहाँ पे वो वाला टिपिकल नहीं है, टिपिकल का मतलब अपन को एक मिनट के अंदर सबसे अच्छा अपगार स्कोर कितना मिलेगा, तो आंसर जाएगा उसका डी इज करेक्ट आंसर, वो मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में, ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अपगार स्कोर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, शानदार वाला क्वेश्चन है। पहला देखो हार्ट रेट, बताया था मैंने कि मान लो जीरो आता है तो अपन जीरो स्कोर देते हैं, यानी हार्ट रेट है ही नहीं तो जीरो देते हैं। यदि मान लो लेस देन हंड्रेड है, लेस देन हंड्रेड है स्कोर वन देंगे, मोर देन हंड्रेड है, मोर देन हंड्रेड तो स्कोर देंगे अपन कितना, टू, ठीक है, तो हार्ट रेट तो आता है। रेस्पिरेटरी रेट, मसल टोन और कलर, रेस्पिरेटरी रेट, मसल टोन और कलर, इनके बारे में देखो। कलर हम देखते हैं बच्चे का, क्योंकि एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस आपने पता है कि एक्रोसाइनोसिस देखा था, इसका मतलब कलर भी देखते हैं। मसल टोन का मतलब ग्रीमेंस देख रहे थे अपन, ग्रीमेंस देख रहे थे, ठीक है, ग्रीमेंस देख रहे थे, ग्रीमेंस का मतलब ये भी आता है। और बात रहती है बी नंबर ऑप्शन की, रेस्पिरेटरी रेट, तो मैंने पहले ही बोला है कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो रेस्पिरेटरी रेट हम नहीं देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट नहीं देखते हैं, इसकी जगह देखते हैं अपन रेस्पिरेटरी पैटर्न, रेस्पिरेटरी पैटर्न देखते हैं, रेस्पिरेटरी पैटर्न इज ए करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी पैटर्न इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हुआ, बी ऑप्शन गलत ऑप्शन है, तो एक्सेप्ट पूछा है आपसे, तो एक्सेप्ट के अंदर बी ऑप्शन क्या हुआ आपका, गलत हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि न्यूबॉर्न हैज ए स्ट्रॉन्ग कराई एंड इज एक्टिवली मूविंग हिज ब्लू एक्सट्रीमिटीज, ब्लू एक्सट्रीमिटीज को एक्टिवली क्या कर रहा है, ब्लू एक्सट्रीमिटीज है। देखो मैंने क्या बोला था, यदि कलर की हम बात करें, कलर की हम बात करें, पहला जीरो वन और टू कलर की बात करते, जीरो वन और टू, यदि मान लो बच्चा पूरा ब्लू है उसको जीरो देंगे, एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस है तो वन देंगे, और यदि पिंक कलर का है तो उसको क्या देंगे, टू देंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बच्चे की स्ट्रोंग कराई है, तो स्ट्रोंग कराई के लिए भी आपको पता है कराई स्ट्रोंग थी तो अपन कितना स्कोर दे रहे थे उसको, टू स्कोर दे रहे थे, और ब्लू एक्सट्रीमिटीज है मतलब इसका ये हो गया क्या आपका एक्रोसाइनोसिस, तो एक ऑप्शन तो दो हो गया प्लस वन हो गया, यहाँ पे यहाँ तक हो गया एक्सट्रीमिटीज। वेन स्टिमुलेटेड वाइटल साइन आर वन, पल्स रेट 140, पल्स रेट 140 का मतलब हो गया आपका 140 किस में आ रहा था आपका, टू वाले स्कोर में, तो दो प्लस और कर दो इसके अंदर। इसके बाद में रेस्पिरेटरी रेट जो थी 48 था, व्हाट इज द अपगार स्कोर, क्या उसका अपगार स्कोर होगा, ठीक है। यदि मान लो रेस्पिरेटरी पैटर्न बच्चे का अच्छा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कितना देंगे अपन, टू मार्क्स और दे देंगे, तो कितना हो गया, सेवन आंसर, आपका आंसर जो है इस अपगार स्कोर कितना हो गया, सेवन हो गया, क्लियर है। वाइटल साइन, पल्स रेट ये हो गया, स्ट्रोंग कराई होगी दो इसका हो गया, और इसके अलावा ब्लू एक्सट्रीमिटीज होगी तो उसका एक हो गया, और इसके बाद में वाइटल साइन 140 और रेस्पिरेटरी अच्छा पैटर्न आ रहा है 48 आ रहा है, इसका मतलब बच्चे को क्राई अच्छी आ रही है, रेस्पिरेटरी पैटर्न उसका अच्छा आ रहा है, इसका मतलब क्राई अच्छी आ रही है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। ये तीनों चीजें आठ कब होता है, जब सारी दो दो हो जाता, टू प्लस टू प्लस टू होता तो हम क्या बोल देते उसको, एट बोल देते, क्लियर है। ओके नेक्स्ट चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैक्सिमम अपगार स्कोर, मैक्सिमम अपगार स्कोर कितना होता है, मैक्सिमम जो अपगार स्कोर होता है वो आपको भी पता है कि मिनिमम कितना बताया था मैंने, मिनिमम अपगार स्कोर कितना बताया था, मिनिमम जो है वो मिनिमम आएगा आपका जीरो, मिनिमम आपका जीरो, और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 10 होता है, मैक्सिमम कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कर लेना, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है, समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है अपगार स्कोर ऑफ ए न्यू बोर्न इमीडिएटली आफ्टर बोर्न इज चेक्ड विद इन, कब चेक करते हैं, शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो पहला जो होता है अपगार स्कोर कब करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ तुरंत बाद में चेक करते हैं अपन, या फिर यदि ये नहीं मानना चाहो तो वन मिनट, एक होता है आपका वन मिनट, एक होता है फाइव मिनट, और एक होता है टेन मिनट, ठीक है, ये आपके फिक्स पैरामीटर हैं, ये आपके फिक्स पैरामीटर हैं, आपको एक मिनट पे अपगार स्कोर चेक करना है, पांच मिनट पे अपगार स्कोर चेक करना है, टेन मिनट पे अपगार स्कोर चेक करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखो एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, तो यदि मान लो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है वो कितनी देर के अंदर कर लेना चाहिए अपन को, एक मिनट के अंदर अपगार स्कोर बच्चे का चेक अपन को कर लेना चाहिए, तो ए इज करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर है, क्लियर है। उसके बाद में हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अपगार स्कोर इज ए मेजर ऑफ ऑल एक्सेप्ट,
सारी चीजें देखी जाती हैं एक को छोड़ के, रेस्पिरेटरी स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, नेफ्रोलॉजिकल स्टेटस और सर्कुलेटरी स्टेटस। मैंने पहले ही बताया कि अपगार इसको इसको स्कोर के अंदर वाइटल्स, जो वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उन वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग देखी जाती है, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, आपके ब्रेन हो गया, ब्रेन के साथ में आपका हार्ट हो गया, और हार्ट के साथ में आपका हो गया क्या, हार्ट के साथ में हो गया आपका लंग्स। इन तीन चीजों का देखते हैं, और इन तीनों ऑप्शन के अलावा जो भी ऑप्शन है उसको आप करेक्ट कर दो आंसर। तो यहाँ पे देखो, रेस्पिरेटरी स्टेटस बिल्कुल चेक करते हैं, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ब्रेन का काम है बिल्कुल चेक करते हैं, नेफ्रोलॉजिकल स्टेटस जो है वो हम चेक नहीं करते हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजिकल चेक इमीडिएटली अपगार स्कोर में नहीं करते, बाकी 24 आवर्स के अंदर हम उम्मीद करते हैं बच्चा जो है ना वो यूरिन पास कर दे। लेकिन अभी अपगार स्कोर के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। और सर्कुलेटरी स्टेटस तो बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि हार्ट रेट इसके अंदर अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये बोला जा रहा है कि अपगार स्कोर इंक्लूड्स असेसमेंट, किस किस का असेसमेंट होता है अपगार स्कोर के अंदर, अपगार स्कोर के अंदर किस किस का असेसमेंट होता है। एक तो होता है आपका रिफ्लेक्स, ग्रेस्प और पल्स, रिफ्लेक्स, ग्रेस्प और पल्स, रिफ्लेक्स, स्लीप और बिहेवियर, स्लीप एक्टिविटी और कलर, कलर, बिहेवियर और रेस्पिरेशन। देखो सामने ही आ रहा है, स्टार्टिंग से काटते जाओ, रेस्पिरेटरी रेट हम नहीं चेक करते हैं, बिहेवियर भी चेक नहीं करते, कलर चेक करते हैं, स्लीप चेक नहीं करते, एक्टिविटी चेक करते हैं, कलर चेक करते हैं, रिफ्लेक्स चेक करते हैं, स्लीप चेक नहीं करते, बिहेवियर चेक करते हैं, रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ग्रेस्पिंग चेक करते हैं और पल्स रेट चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आ गया आपका एज, करेक्ट आंसर क्लियर है, एज करेक्ट आंसर। बिहेवियर यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूजन आपको, कलर, बिहेवियर, रेस्पिरेशन और रिफ्लेक्स, ग्रास्प और पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर बच्चे का अभी कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए डी बेकार ऑप्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अपगार स्कोरिंग इज डन टू अप्रेज द इन्फेंट फॉर, किसको चेक करने के लिए अपगार स्कोर किया जाता है। देखो अपगार स्कोर जो होता है, पहली चीज बर्थ डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट के लिए आपको सारी की सारी चीजें क्या होती है, फिजिकल और जो कुछ टेस्ट होते हैं वो करने पड़ेंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखने के लिए करते हैं, आरएच सेंसिटाइजेशन करने के लिए देते हैं, और इमोशनल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देते हैं। तो देखो इमोशनल स्टेबिलिटी अभी बच्चे की चेक नहीं कर सकते, आरएच सेंसिटाइजेशन के लिए ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, बर्थ डिफेक्ट करने के लिए और टेस्ट कराने पड़ते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, अपगार स्कोरिंग काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, अपगार स्कोरिंग। तो बी इज करेक्ट आंसर, इसका बी जो ऑप्शन है वो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपगार स्कोर, अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इज द वन स्कोर ऑफ अपगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न, इन पैरामीटर्स में से कौन से पैरामीटर को आप एक स्कोर दोगे। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हार्ट रेट जो है वो यदि मोर देन 100 है तो उसको हम कितना देंगे, 2 देंगे। तो यहाँ पे मोर देन 100 है तो ये तो बेकार जवाब हो गया, ठीक है। फ्लेक्स्ड बॉडी यदि फ्लेक्शन अच्छे से आ रहा है तो उसको भी हम कितना मार्क्स देते हैं, 2 मार्क्स देते हैं। ब्लू फीट और क्राई लाउड आ रहा है, लाउड क्राई आ रहा है, उसको भी हम कितना मार्क्स देते हैं, 2 मार्क्स देते हैं। लेकिन ब्लू फीट वाला एक्रोसाइनोसिस का याद रखो, उसके अंदर हमने कितना मार्क्स दिया था, 1 मार्क्स दिया था, क्लियर है, 1 मार्क्स दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर है, सी इज करेक्ट आंसर। तो अपगार स्कोर जो है, इस अपगार स्कोर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो है वो अपने सोल्व किए हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो ये आ गया, इज ए मीन्स ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग रिकॉर्डिंग कंडीशन ऑफ बेबी इन ए न्यूमेरिकल टर्म एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड इट नेसेसरी आफ्टर द बर्थ। देखो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक मिनट के बाद में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं बच्चे का, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो अपगार स्कोर इसका करेक्ट आंसर होगा एज करेक्ट आंसर। अपगार स्कोर के अंदर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ऐसी ही शानदार वाली क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपनी जो उत्साह सीरीज है, इस उत्साह सीरीज के अंदर पूरे के पूरे पीडियाट्रिक नर्सिंग के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, वो भी आज तक के एग्जाम में से निकाल के, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए जाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सोल्व कराए जाएंगे। उत्साह सीरीज के अंदर जोश और जुनून के साथ में आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि
आपका और आपके घर वालों का जो सपना है वो क्या है, नर्सिंग ऑफिसर, टू बी ए सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के साथ साथ में आज यदि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी के साथ में आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आपको मिलता है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी का गाइडेंस, और इसी के साथ साथ आपको मिलते हैं शानदार वाला स्टडी मटेरियल, और उसी शानदार स्टडी मटेरियल की बात करने के लिए मैं आ रहा हूं आपके सामने एक शानदार वाली स्ट्रेटेजिक स्टडी का मटेरियल लेके आया हूं आपके सामने। उसके बारे में यदि हम बात करें तो वो जो मटेरियल है वो मटेरियल आपके सामने ये वाला, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है आजाद बैच। यदि मान लो आप भी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, शानदार वाली टेस्ट सीरीज की आपको डिमांड है, आपको जरूरत है कि मुझे भी एक शानदार वाली टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस, आप जुड़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ साथ में। हमारा शानदार एप्लीकेशन है जिसमें हजारों स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल हो चुके हैं और सबका जो रिव्यू है वो शानदार वाला है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है जिनको सच में स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है और वो किसी ना किसी कारण वजह से कहीं से कोर्स नहीं ले पाते हैं, या तो मनी प्रॉब्लम हो या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पा रहे हो उस सिचुएशन के अंदर। तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं घर बैठे आपके ही मोबाइल के अंदर शानदार वाली टेस्ट सीरीज। तो उस टेस्ट सीरीज को एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहां जाके आपको सर्च करना होगा RNU नर्सिंग के नाम से आपको सर्च करना होगा। ये सर्च जैसे ही करोगे तो इस लोगों के साथ में आपको RNU नर्सिंग की एप्लीकेशन मिलेगी, उसको आप मोबाइल नंबर डाल के OTP जनरेट करके आप उसको रजिस्टर कर ले। रजिस्टर करने के बाद में सेकंड नंबर पे ही ये आजाद बैच लिखा हुआ है, ये आजाद बैच को देखें आप। इस आजाद बैच की जो स्पेशल जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, फ्री डेमो टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेमो वीडियो क्लासेज मिलेंगी, डेली टेस्ट सीरीज मिलेगी, वैलिडिटी होगी इसकी 12 मंथ की। शानदार वाली चीज़ है, ध्यान रखना 12 महीने तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, 12 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज, और मैं इतना बता रहा हूँ डेली टेस्ट सीरीज को समझ लो अच्छे से। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको डेली जो है ये डेली मिलने वाली है 2 टेस्ट, जो 2 टेस्ट मिलेंगे, एक टेस्ट जो कॉमन चलेगा सभी एग्जाम्स के लिए, जिसके अंदर 80-20 का रेशियो होगा, 80-20 का रेशियो होगा, 80 नर्सिंग के और 20 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ साथ में जो दूसरा है 20, ये जो शाम को जो टेस्ट आपको मिलेगा इसके अंदर जो रिसेंट एग्जाम जो भी आएगी, जैसे अभी एम्स नॉर्सेट मेंस चल रहा है, तो नॉर्सेट मेंस के सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो सारे सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो ये टेस्ट सीरीज मिलेंगी, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न पेपर विथ रेशनल मिलेगा, वीडियो रेशनल भी आपको मिलने वाली है, और टेस्ट क्वेश्चन जो हमारे एनालाइज्ड बाई एक्सपीरियंस फैकल्टी, ठीक है, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा एनालाइज की हुई सारी की सारी क्या होती है, आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो अब बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि सर इसकी प्राइस क्या होगी। प्राइस इसकी है आपके सामने 1100 रुपये, और यदि आप एनरोल करते हैं, एनरोल करने के बाद में काफ़ी सारे ऑफर हैं जिसके अंदर आप कूपन भी अप्लाई कर सकते हो और इसके अंदर पा सकते हो 400 से लेकर 500 रुपए तक का डिस्काउंट है। इतने कम पैसे के अंदर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा कि 500 रुपए में आपको 12 महीने तक फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लियर है। तो आज ही जाएं प्ले स्टोर पे RNU नर्सिंग डाउनलोड करें और वहां पर जाके आप हमें रजिस्टर करें और इस बैच का आनंद लें, क्लियर है। तो आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, यदि क्लास पसंद आई हो क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक बताई जा सके। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि आप हमारे साथ में एप्लीकेशन के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन का लिंक है और वहीं पर आपके हमारे व्हाट्सअप नंबर है जहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।